क्या अमन की आशा का गोल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एक मुल्क बन जाए और इंडिया पाकिस्तान को हड़प कर जाए? नॉट एट ऑल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता और कोई होने देगा भी नहीं, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल द आइडिया. लेकिन अगर एक यूरोपियन फेडरेशन, यूरोपियन यूनियन हो सकता है, तो एक साउथ एशियन फेडरेशन क्यों नहीं हो सकता? सार्क है लेकिन वो सार्क के जो एस्पिरेशंस हैं, सार्क के जो मकासद हैं, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो आपस में टेंशन हैं उसकी वजह से वो पूरे नहीं हो पाते हैं. सार्क के जो मकासद हैं उनमें फ्री ट्रेड और मूवमेंट के गोल्स हैं, लेकिन वो नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपस में हमारे इतनी लड़ाइयाँ. जब भी हमारे आपस में बेहतरी की तरफ हम जाने लगते हैं, बेहतर ताल्लुकात की तरफ जाने लगते हैं, तो कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से या इस तरफ से या उस तरफ से कहते हैं कि जी ये तो बातचीत बंद, हवाई मतलब कि जहाज बंद, वीज़े बंद, सब कुछ बंद. क्यों? आपको किसने कहा कि आप, किसने ये हक दिया कि आप बंद करें इस तरह से? आई थिंक ये कोई मकासद इसके ये हैं कि लोगों को मिलने देना चाहिए. और पाकिस्तान में PIA बाय द वे वाहिद एयरलाइन थी पूरी साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया में. और बहुत फ़ख्र की बात थी कि PIA वॉज दी ओनली एयरलाइन जो कि सारे जो साउथ एशियन ममालिक हैं उनके कैपिटल्स को PIA सर्व कर रही थी. और अब वो फ्लाइटें ऐसा बंद हो रही हैं क्योंकि वीज़े नहीं मिल रहे लोगों को.